सत्याग्रह सत्र में हम स्वागत करते हैं गुड्डी का, जो बम्बई में यूसुफ मेहर अली सेंटर के साथ जुड़ी हुई हैं, और अभी हाल में ही जो मिट्टी सत्याग्रह यात्रा हुई उसकी वो एक तरीके से संचालन करता थी। पूरी यात्रा का उसकी उसकी रूपरेखा तैयार करना, उसमें लोगों को आमंत्रित करना, और उसमें पूरा उसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी उन्होंने ली थी। और मैं स्वागत करता हूँ हमारे प्रवीण श्रीवास्तव जी का, जो लखनऊ के क्वींस कॉलेज में फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो नमस्कार। हाँ प्रवीण भाई, अब मैं आपको कहीं से आवाज आ रही है, तो प्रवीण, थोड़ा हाँ प्रवीण जी, सा आप आपकी आवाज कटके आ रही है, लेकिन अब शुरू करते हैं प्रोग्राम। तो हाँ आप शुरू कीजिए। आज हमारे एक जी शुरू कीजिए प्रवीण जी। जी सर, तो आज का ये सत्र प्रारंभ करते हैं जो मिट्टी सत्याग्रह पर है। और हमारे बीच हैं इस यात्रा के कोऑर्डिनेटर गुड्डी तिवारी जी। तो अब हम गुड्डी जी से जानना चाहते हैं कि ये यात्रा का विचार कैसे आया उनको। जी, मैंने शुरू कर दिया। गुड्डी जी हमारे बीच में हैं और जो इस यात्रा की प्रवीण जी, आप म्यूट पर हैं। आज कुछ डिस्टरबेंस भी आ रहा है, वो कहाँ, प्रवीण जी की तरफ से आ रहा है क्या? हाँ, शायद उन्हीं की तरफ से था पहले। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जी। तो गुड्डी, आप थोड़ा शुरू करें और बताएं कि ये जो यात्रा निकाली आपने, इसकी इसका विचार कहाँ से आया, इसके इसको यात्रा की रूपरेखा को तैयार करने में कौन कौन लोग शामिल थे, और क्या उद्देश्य था, और कैसे ये यात्रा आपने निकाली, ये पूरी बात आप रखिए विस्तार के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप भाई। मिट्टी सत्याग्रह जैसे एक बहुत वैचारिक और आजादी के आंदोलन से जुड़े हुए एक जो कार्यक्रम था, उसको यहाँ पर उसके बारे में बातचीत करने का अवसर देने के लिए और यहाँ बुलाने के लिए सभी साथियों को एक क्रांतिकारी जिंदाबाद सलाम। मैं जिस तरीके से संदीप भाई ने मेरा परिचय दिया है कि मैं गुड्डी यूसुफ मेहर अली सेंटर से ताल्लुक रखती हूँ, और यूसुफ मेहर अली जो हैं वो भारत के आजादी के आंदोलन के हिंदुस्तान के एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं, और जिन्होंने आजादी के आंदोलन में दो प्रमुख नारे दिए, साइमन गो बैक और भारत छोड़ो आंदोलन। अब इसका रिश्ता इसलिए मिट्टी सत्याग्रह के साथ है क्योंकि जब लगातार किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहा था, तब से एक प्रयास सितंबर के महीने में हम कुछ साथियों ने मिलकर बंबई के ये किया कि देश भर के आंदोलन में किस तरीके से जनता को जोड़ा जाए, आम जनशक्ति को जोड़ा जाए, वो लोग जो अपनी मिट्टी से बहुत प्यार करते हैं, वो लोग जो इस देश में अलग अलग तरीके के आंदोलन चला रहे हैं, जो निजीकरण के खिलाफ बोल रहे हैं, जो इस देश में सांप्रदायिकता के खिलाफ बोल रहे हैं, और जो इस मिट्टी के इतिहास को, इस धरती के इतिहास को हिंदुस्तान के मानते हैं और आज भी आजादी के पूरे संघर्ष में विश्वास रखते हैं, उनको कैसे जोड़ा जाए। और उस समय का एक प्रयास जो कई सारे भारत के हिंदुस्तान के वरिष्ठ साथियों के साथ हमने किया,
लेकिन वो कहीं ना कहीं जाकर उस तरीके से उसका उद्देश्य जो था वो पूरा नहीं हुआ, और उसके बाद से हम लगातार किसान आंदोलन के अंदर अलग अलग तरीके के कार्यक्रमों से सक्रिय रहे, जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कॉल्स आए उन्हें हमने फॉलो किया, उसे हमने जमीन पर करने की कोशिश की, और उसके साथ ही हमने अपने स्तर पर कई तरीके के कार्यक्रम किसान आंदोलन की एकजुटता में किए। और उसी दौरान जब बंबई के हम दो साथी आपस में बातचीत कर रहे थे, फिरोज मिठी बोर वाला जी जो भारत बचाओ आंदोलन के साथी हैं, और पिछले वर्ष जो NTNRCC NPR का एक पूरा आंदोलन देश भर में हम भारत के लोग मंच द्वारा हुआ उसके साथी हैं वो, उनके और मेरी एक साधारण सी बातचीत के दौरान ये एक विचार आया कि इस देश में आजादी के आंदोलन को की जो ऐतिहासिक चीजें हैं उसे किसी तरीके से उसको आज जो सत्ता में लोग हैं उसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं या उसे अपने नाम दर्ज करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और उन आजादी के आंदोलन के मूल्यों को भी आज एक अलग तरीके से रखने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसमें उन्होंने कभी सहभाग ही नहीं किया उसका श्रेय वो लेना चाहते हैं। तो वो जो इतिहास बदलने का की बात थी उससे ये बात सहज एक टेलीफोन कॉल पर आई थी, और फिर हम कुछ साथियों ने मिलकर उसको उस विचार पर बात किया, और इस विचार को लेकर हम देश के दो बड़े हमारे वरिष्ठ साथियों के पास गए, और उन्होंने इसे बहुत सहर्ष स्वागत किया और इसके अंदर बहुत सारी ऊर्जा डाली, बहुत सारा विचार डाला, और ये एक बहुत अच्छी कार्यक्रम के तौर पर लोगों के सामने आया। मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगी उन दोनों साथियों का, और उनमें हमारे वरिष्ठ साथी जो किसान आंदोलन के साथ आज से नहीं 1998 से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सुनीलम जी, और जो इस पूरे देश के अंदर वैकल्पिक विकास की बात करने वाली हमारी साथी मेधा पाटकर जी, इन दोनों ने इस विचार को शुरुआती समय में ही इसके महत्व को समझा और उसमें अपना अपनी बात कहने के लिए उसे चुना, और बहुत ही उनका सहयोग इससे इसमें प्राप्त हुआ। जैसे ही ये बात हमारे इन दो साथियों को के बीच आई, हमने इसे देश भर के अंदर कई साथियों के साथ इस पर बातचीत की, लोगों के साथ संपर्क करने की कोशिश की। पहली पहल जो हमारी थी मिट्टी सत्याग्रह के विचार के ऊपर, उसे हमने उसके उद्देश्य बहुत विशेष इसलिए थे क्योंकि हमें लग रहा था कि युवाओं के द्वारा आया एक विचार है, तो इसे लोगों तक ले जाने के लिए, जनशक्ति को इसमें शामिल करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उसका उल्लेख करें, जिसमें प्रमुख जो मुद्दे थे उसमें पहला मुद्दा था कि हम आज का किसान आंदोलन आजादी के आंदोलन से जोड़कर देखते हैं, आजादी के आंदोलन की शहादत और किसानों की आज बॉर्डर पे चल रहे आंदोलन की शहादत एक ही है, और उसे हम मानते हैं कि किसान को उस तरीके से हमें देखना चाहिए। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि इस देश के अंदर आज भी साधारण से साधारण व्यक्ति व्यक्ति को अपनी मिट्टी से बड़ा प्रेम है, और उस मिट्टी को हमको उस मिट्टी के प्रति जो उसका लगाव है उसको किस तरीके से कार्यक्रम में बदले उसका ये कार्यक्रम था, और उसमें बहुत हद तक आखिर में हमें सफलता भी मिली। और तीसरा जो एक बड़ा महत्वपूर्ण बात था कि इस देश के अंदर जब से ये आंदोलन चल रहा है 315 से ज्यादा लोग शहादत उन्हें मिली है किसानों को, लेकिन उन्हें सम्मान देने की बात ये सरकार किसी भी स्तर पर नहीं कर रही थी। जब संसद के अंदर श्रद्धांजलि के लिए विपक्ष उठा तब भी उन्हें वो स्वीकार दिखा नहीं, तो हमें ये लग रहा था कि अपने जो साथी किसान है जिन्होंने शहादत दी है पिछले 4 महीनों में, उनके सम्मान में उनको याद करने के लिए हमें शहीद स्मारक बनाने चाहिए,
और ये कहीं ना कहीं कुछ समय पहले संयुक्त किसान मोर्चा में भी ये बात कहीं ना कहीं चल रही थी, लेकिन हमें उसकी कल्पना नहीं थी। ये जब एक चर्चा के भीतर ये बात आई और हमने उसे रखा। और चौथी बात ये थी कि मिट्टी सत्याग्रह कोई उस तरीके का कार्यक्रम नहीं था जो एक समय सीमा के अंदर हमें करना था। एक प्रतीकात्मक ये समय इसलिए चुना गया क्योंकि आजादी के आंदोलन में दो महत्वपूर्ण आंदोलन जिसकी बात हम हमेशा करते हैं, उसमें से एक असहयोग आंदोलन था जिसके 100 साल पूरे हुए हैं, और उस आंदोलन को याद करते हुए ये कहना था कि हम आज की मौजूदा केंद्र सरकार को किसी भी तरीके से कोऑपरेट नहीं करते, हम असहयोग करेंगे, आपके किसी कानून को मानेंगे। इस तरीके से उस ऐतिहासिक बात को दोहराना था। दूसरा जो महत्वपूर्ण घटना थी वो थी दांडी का सत्याग्रह जो गांधी जी ने अपने नेतृत्व में किया, और बिल्कुल वही दौर था कि नमक जैसी बुनियादी चीज को कानून लगाकर हमारे तो उस समय के ब्रिटिश हुकूमत ने हमारे लोगों को वो नमक बनाने से रोका, तो उस बुनियादी चीज को लेकर जो गांधी की कल्पना थी उसको आज के समय पे साकार करने के लिए वहां से ये विचार आया कि नमक अगर बुनियादी चीज है तो हमारा अस्तित्व ही हमारी मिट्टी है। अगर वो बेचना बिकना शुरू हो गई और मिट्टी जैसे ही इनके हाथ में गई, तब तो हम इस देश के अंदर हम नहीं बचेंगे और नहीं रहेंगे। इसलिए मिट्टी सत्याग्रह का आया कि गांधी जी ने एक चुटकी नमक उठाकर कानून को भंग किया, तो हम उसी ऐतिहासिक समय में 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में हम मिट्टी को अपनी मुट्ठी में उठाकर संकल्प लेंगे कि हम ये इस देश को बिकने नहीं देंगे, हम किसी के हाथों में इस देश को जाने नहीं देंगे, और इस मिट्टी को सौदा करने का अधिकार सरकारों को नहीं है, ये मिट्टी जिनकी है उनका अधिकार है। तो ये पूरा विचार वहां से आया, पूरे देश के लोगों ने इसका स्वागत किया। कई देश भर के करीबन 100 संगठनों से ज्यादा लोगों से शुरुआती समय में बातचीत हुई जिन्होंने इसे स्वीकार किया, और लेकिन सबकी तरफ से हम लोगों ने सिर्फ मिट्टी सत्याग्रह के ही नाम को इसमें रखा, बाकी संगठनों के नाम को उस तरीके से नहीं, क्योंकि आज एकजुटता अपने दिखाने के लिए मुझे लगता है कि हमें किसी न किसी कार्यक्रम को उसी तरीके से चलाना चाहिए जिसमें सबकी एकजुटता दिखे, तो उसमें। लेकिन विशेष तौर पर क्योंकि ये एक अभियान था तो हम ये कह सकते हैं कि जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय जो कि पूरे देश भर में आज 350 से ज्यादा संगठनों का समन्वय है, उनकी तरफ से किसान संघर्ष समिति जो मध्य प्रदेश से आती है, डॉक्टर सुनीलम जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में काम कर रही है, उनकी तरफ से हम भारत के लोग जो कि पूरे देश के अंदर सक्रिय है लेकिन विशेष तौर पर उसकी बम्बई की इकाई जो है उसकी तरफ से और यूसुफ मेहर अली सेंटर की तरफ से इस पूरे कार्यक्रम में जो काम जो आप आयोजक कहें संयोजक कहें उन लोगों ने इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसे आगे ले जाने के लिए इस पे काम किया। देश भर के लोगों ने उसे सहयोग किया, जिनको जहां बताया गया इस विचार के बारे में उन्होंने इसके अंदर अपना योगदान दिया। हमने इसे दो सत्र में या कहें दो हिस्सों में इस पूरी यात्रा को चलाया। एक इसका क्योंकि हम गांधी को मानने वाले लोग हैं तो विकेंद्रित जो एक पूरी बात होती है उसे हमने इसमें प्राथमिकता पर रखा। 12 मार्च से 28 मार्च तक हमने ये यात्रा जो है या कहिए ये जो अभियान है ये पूरे देश के अंदर चलाया, और इसकी तीन ही बहुत न्यूनतम चीजें थी आप कह सकते हैं कि लोग मिट्टी कहाँ से इकट्ठा करें। तो हमने लोगों को ये कहा कि आप मिट्टी वहां से इकट्ठा कीजिए जहां आजादी के समय पर कहीं संघर्ष हुआ था, वहां की मिट्टी इकट्ठा कीजिए ताकि हम इसे आजादी के संघर्षों से जोड़ सके। हमारे आजादी के जो प्रतीक हैं जो उनसे हमने ये मिट्टी इकट्ठा की, प्रतीक प्रतिमा जो है उससे हमने ये
मिट्टी इकट्ठा की, और उसके बाद आज वर्तमान में जो संघर्ष देश भर में चल रहे हैं हमने उसकी लड़ाई की मिट्टी इकट्ठा की। और ये जो तीनों चीजें थी ये सामूहिक तौर पर अगर हम देखेंगे तो आपको इसकी झलक संविधान के अंदर मिलेगी, क्योंकि पूरे आजादी के आंदोलन में जो 150 सालों का संघर्ष है वह उससे जो वही को बचाने की और उसकी झलक दिखाने की कोशिश हमने मिट्टी सत्याग्रह के अंदर की। तो इसके अंदर 12 मार्च से 28 मार्च तक पूरे देश के अंदर लोगों ने इसी तरीके से मिट्टी इकट्ठा की, मिट्टी संकलन किया, और लोगों ने अलग अलग जगह अभियान चलाए, कार्यक्रम चलाए, लोगों के बीच गए, और ये लोगों के बीच जाने का बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। और उसके बाद हमने 30 मार्च से 6 अप्रैल तक एक यात्रा की। इस यात्रा का उद्देश्य अपने आप में दो बड़े महत्वपूर्ण उद्देश्य रहे, जिसमें एक था कि हम दांडी से दिल्ली जाएं ताकि गांधी के नमक सत्याग्रह से मिट्टी सत्याग्रह को जोड़ें, और हमने वो एक प्रतीकात्मक चीज करने की कोशिश की, क्योंकि पूरे देश को बहुत कम समय में इसमें शामिल करना मुश्किल था, लेकिन मिट्टी सत्याग्रह एक लंबा आंदोलन है, तो इसलिए सिर्फ एक प्रतीकात्मक चीज से हमने शुरुआत की। तो हमने 30 मार्च को दांडी से, जो कि गांधी की जगह जहां मुट्ठी में चुटकी भर नमक उन्होंने अपने मुट्ठी में उठाया था और कानून तोड़ा था, वहीं पे हमने मिट्टी को अपने हाथ में उठाकर संकल्प लिया, और हम साबरमती आश्रम भी गए जहां से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। हमने वल्लभ भाई पटेल जहाँ जन्मे करमसाद वहां भी गए, और हम वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जो गुजरात के अंदर दो बड़े किसान आंदोलन हुए, बारदोली और खेड़ा के, उनके भी मिट्टी का संकलन हमने किया। तो हम गुजरात, राजस्थान और हरियाणा और पंजाब, हम हरियाणा और पंजाब में गए, वहां किसानों के बीच चेतना जगाने की जरूरत नहीं है, किसान खुद संगठित है और किसान बहुत बड़ी तादाद में संख्या में अपने हकों के लिए टोल पर पेट्रोल पंप के सामने अलग अलग जगह मोर्चे धरने कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी था कि देश भर के लोग उनके साथ एकजुटता दिखाने उनकी जगह जाएं, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, शाहजहानपुर बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर तो लोग जा ही रहे हैं, लेकिन उनके बीच जाकर एकजुटता दिखाने की कोशिश एक यात्रा ने की, और मुझे लगता है कि उसमें हम बहुत हद तक सफल भी हुए। हमने उस तरीके का एक कार्यक्रम लिया और यात्रा उसके बाद दिल्ली गए। इस यात्रा की विशेषता के तौर पर ये कहूंगी कि इस यात्रा में 40 एक यात्रियों ने पूरी यात्रा के अंदर सफर किया, जो यात्रा थी उसमें जिए, और उस यात्रा के अंदर खुद यात्रा का जो नेतृत्व कर रही थी वो मेधा पाटकर जी थी, डॉक्टर सुनीलम जी थे, प्रफुल्ल सामंतरा जी थे, फिरोज मीठी बोरवाला जी थे, और इसके साथ अन्य कई संगठन, जिस तरीके से ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन AISF के साथी, लोकायत पूना के साथी, हम भारत के लोग के साथी, नर्मदा बचाओ आंदोलन, NAPM नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट उसके साथी इस यात्रा के अंदर उनकी सहभागिता थी, घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन के साथी थे, तो इन सभी साथियों की उसके अंदर सहभागिता थी। और ये वो लोग थे जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के लोग 35 साल से संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें ये पता है, उन्हें इस पूरी यात्रा के अंदर शामिल करने का मूल उद्देश्य ये था कि हम वो लोग नहीं हैं जो सिर्फ ये कहते हैं कि कृषि कानून आने के बाद आपकी ये स्थिति होगी या आपको इसलिए विरोध करना चाहिए, हम वो लोग हैं जो गांधी के रास्ते के लोग हैं, हम वैकल्पिक बात की बात करते हैं, और हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमने विकल्प देने की कोशिश की, वैकल्पिक बात की, और आप देख लीजिए आज नर्मदा में क्या स्थिति है लोगों की, वहां के हकों की लड़ाई आज भी जारी है,
है, लड़े हैं, जीते भी हैं, लेकिन जो संघर्ष चला इतने सालों बाद भी उनका दमन सरकार की तरफ से जारी है। तो वो एक संदेश जो देना था कि एक वैकल्पिक लड़ाई हम लड़ने वाले लोग हैं, हम सिर्फ विरोध करने वाले लोग नहीं हैं, इसलिए उन हम भारत के लोग इस वजह से शामिल थे क्योंकि देश के अंदर पिछले 6 साल के उसमें जब चुप्पी थी इस देश के अंदर, तब देश भर की सड़कों पर शाहीनबाग की महिलाएं बैठी और उन्होंने ये बताया कि इस लड़ाई के अंदर उनकी अपनी जगह है और इस सरकार के विरोध में बैठे, तो वो उनके अनुभवों के साथ हमारे साथी इसमें थे कि मिट्टी का मुद्दा उनसे भी जुड़ा है क्योंकि मिट्टी के पट्टे हो, मिट्टी की आपके घर की जमीन हो, ये सारी चीजें दस्तावेज के अंदर, दस्तावेज इन्हीं आधारों पे बनते हैं जब आप कुछ देते हैं और उसमें कहीं ना कहीं मूल में मिट्टी है। तो हम अपनी मिट्टी को लेकर जो हमारा एक अधिकार की बात है उसको उससे भी जोड़कर देखते हैं और हमने इसलिए वो भी कई साथी छात्र लोकायत और AISF ये दोनों ही युवाओं के बीच में काम करने वाले संगठन है और युवा आज क्योंकि आने वाली पीढ़ी वो है तो हमने उनको भी उसी के लिए इस यात्रा के अंदर स्थान दिया कि युवाओं का बहुत जरूरी है सहभाग इस यात्रा के अंदर जो अपने आप को आजादी के आंदोलन की परंपरा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी खुद पर मानते हैं। इस तरीके के साथी उस मीटिंग उस यात्रा के अंदर थे। यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगी कि यात्रा भी जिस तरीके से हमारा कार्यक्रम दो हिस्सों में हुआ उसी तरीके से यात्रा भी दो हिस्सों में शुरू हुई जिसका जिक्र मैं यहाँ करूंगी। एक यात्रा जो शुरू हुई वो दांडी से दिल्ली के लिए शुरू हुई और दूसरी यात्रा नर्मदा के घाट में जो बड़वानी है राजघाट वहां से शुरू हुई और वो मध्य प्रदेश के रास्ते होते हुए राजस्थान आई और जहां से दोनों यात्राएं एक साथ राजस्थान और हरियाणा और पंजाब में गई। दो जगह से यात्रा शुरू करने के दो कारण थे। पहला कारण दांडी का मैं आप सबको बता ही चुकी हूँ कि ऐतिहासिक महत्व था जिसकी वजह से हमने वहां यात्रा शुरू की, लेकिन दूसरी यात्रा जो मेधा पाटकर जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश से शुरू हुई उसके दो कारण थे। पहला कारण ये था कि हम लगातार ये जो आज की केंद्र सरकार है जिस तरीके से वो इन मध्य प्रदेश के अंदर या पूरे देश के अंदर सामाजिक कार्यकर्ताओं का दमन कर रही है, उन्हें जिस तरीके से परेशान कर रही है, जिस तरीके से उन पर हमले कर रही है, गुजरात में कई हद तक हमें उसका एक डर तो नहीं कह सकते लेकिन उसकी चिंता थी कि हम गांधी के रास्ते पे चलने वाले लोग शांतिपूर्ण तरीके से इस यात्रा को लेकर जाना चाहते थे, लेकिन जिस तरीके की घटना हमारे जाने से पहले अहमदाबाद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेताओं के साथ हो चुकी थी उसके बाद हमें उसको लेकर एक चिंता थी हमारे साथियों को, तो उस वजह से भी हमने कोशिश की कि हमारी वरिष्ठ साथी उन सब चीजों से अभी दूर रहे, लेकिन वो इस बात से बहुत दुखी थी और क्योंकि वो अपनी चिंता खुद नहीं करती और उन्हें ऐसा लग रहा था कि ऐसी किसी भी परिस्थितियों का सामना करना चाहे। और यहाँ पे मैं इस बात का जिक्र करना चाहूंगी कि उनकी बात सुनने के बाद हमें ये लगा कि इस तरीके की चीज जो प्रस्ताव उस साथियों के बीच से गुजरात में आया वो हमें शायद नहीं करना चाहिए था, बट क्योंकि मेधा पाटकर जी ने इसका यात्रा में कई बार जिक्र किया है तो मैं उसे यहाँ पर कह रही हूँ क्योंकि सत्य की बात करनी है और सत्याग्रह के अंदर तो जो सत्य है उसकी बात मैंने कही। दूसरा, जब इस चिंता के साथ हमें यात्रा शुरू करनी थी तो हमें याद आया आज से 3 साल पहले जो मंदसौर के अंदर 6 किसान शहीद हुए थे, तो हमें ये प्रस्ताव हमने वहां से शुरू किया कि अगर एक यात्रा बड़वानी से होते हुए मंदसौर जाकर मंदसौर की मिट्टी लेकर आए तो उसका एक अपना असर होगा। और उस तरीके से ये दो यात्राएं राजस्थान के डूंगरपुर में एक यात्रा बनी और हम फिर उसके आगे
वहां से निकले। ऐतिहासिक मतलब बड़वानी से जो आपने शुरू की तो वो उसका कोई ऐतिहासिक महत्व है बड़वानी का? जी बिल्कुल। ऐतिहासिक महत्व तो बड़वानी का नर्मदा की घाटी का है ही, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि ये जो, क्योंकि हमारी पीढ़ी ने नर्मदा बचाओ के आंदोलन को, वो इतिहास ही हमारे लिए हुआ क्योंकि 35 साल पुराना संघर्ष है, तो हम उस आंदोलन को अपनी धरोहर के तौर पर देखते हैं और मेधा पाटकर को उसके प्रतीक के तौर पर देखते हैं और अन्य साथियों को भी। वहां कई साथी ऐसे जिनका नाम लेना चाहिए लेकिन मैं मेधा पाटकर को उनका प्रतिनिधि मान रही हूँ, तो मेधा पाटकर जी को हम प्रतीक के तौर पर देखते हैं और वो वहां से मिट्टी आने से इस पूरी यात्रा के संघर्ष को, वर्तमान के संघर्ष को बहुत मजबूत करती है और विकल्प देने की बात को बहुत मजबूत करती है, इसलिए उसको शामिल किया। जिस तरीके से गुजरात में कुछ मैंने ऐतिहासिक जगहों के नाम बताए, उसी तरीके से राजस्थान के अंदर, क्योंकि डूंगरपुर के अंदर आदिवासियों का दमन बहुत समय से चल रहा है, तो हमारी यात्रा का पड़ाव वो भी रहा, उदयपुर भी रहा। और एक बहुत विशेष तौर पर राजस्थान में मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि मुंडौती गांव, जहाँ पे MKSS जो कि मजदूर किसान एक संगठन है अरुणा राय रॉय जी का, जिन्होंने मुंडौती में चरागाह के मुद्दों को लिया कि वहां पे ग्रेनाइट मिलने की वजह से सरकार वो जमीन को प्राइवेट निजी कर लोगों के हाथों में देना चाहती थी और जिस तरीके का संघर्ष चला, तो हम एक छोटा गाँव जो वर्तमान में अभी 1 साल पुरानी वहां की लड़ाई है, हमने उसको भी, और वहां की जमीन युवाओं ने बचाई इसलिए हमने उसको भी जोड़ा। बांसूर के अंदर, अलवर जिले के अंदर महापंचायत थी, हम उस महापंचायत का भी हिस्सा बने जहाँ पे योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत जी शामिल थे, हम उसका हिस्सा भी बने। हम हरियाणा गए, हरियाणा में मैं यहाँ जिक्र बड़े विशेष तौर पर करना चाहूंगी कि किसान 6 अक्टूबर से बैठे हुए हैं वहां पर, लगातार वो धरना दे रहे हैं, लेकिन उनकी इच्छा थी कि जब यात्रा आ रही है तो हम चौटाला जी के कार्यालय के सामने किसान चौक बनाए, वो किसान चौक हमने इस यात्रा के दरमियान बनाया और वो बहुत ऐतिहासिक जगह है, जिसे बनाया तो हम ही साथियों ने, लेकिन वो टूटा उसी समय रात के 12 बजे के बाद सरकार ने उसे तोड़ा हरियाणा की, लेकिन दोबारा बनाया गया किसान संगठनों द्वारा। तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं यहाँ कहना चाहूंगी। उसके बाद हम पंजाब गए, पंजाब में क्योंकि यात्रा को हमें किसी भी तरीके से 5 तारीख को बॉर्डर्स पे पहुंचाना था, तो हमने धर्म सिंह जी की जो जन्म स्थल है सुना है, उसके अलावा भी कई जगह पंजाब के अंदर इलाकों के अंदर, उसको भी वहां पर हमें सौंपा और हम सब फिर दिल्ली पहुंचे। और दिल्ली में शाहजहानपुर बॉर्डर पे सबसे पहले हम पहुंचे और वहां पर शहीद स्मारक हम लोगों ने जो एक है, जो कलश हमारा प्रतीक होता है, उसी तरीके से जो सैकड़ों लोग शाहजहानपुर के जो साथी शहीद हुए हैं उनके कलश उस तरीके से रखे गए वहां पे। अहमदाबाद के कलाकार जो आर्टिस्ट आए थे उन्होंने वहां पर शहीद स्मारक बनाया। उसी तरीके से टिकरी बॉर्डर के ऊपर अनहद जो एक संस्था है उन्होंने एक मिट्टी सत्याग्रह के लिए एक शहीद स्मारक बनाया। टिकरी बॉर्डर के दूसरे छोर पर जो है बंगाल से आए एक कलाकार ने किसान की के लिए एक शहीद स्मारक बनाया। और सिंगूर गाजीपुर पे हमारे पंजाब के एक नौजवान कला के बहुत ही सुंदर प्रतिमा एक प्रतीक बनाए शहीद स्मारक के लिए। और चारों जगह के मंचों से इसकी उद्घोषणा भी हुई कि जब भी ये आंदोलन हम जीतेंगे और
ये प्रतीक वहां जो हैं इनको वो परमानेंट तरीके से एक स्थिर रूप से वहां पर उसको रखेंगे, ताकि आते जाते जो भी लोग इन हाईवे से गुजरे किया था आपने। आज से ये जो बातचीत है, आखिर में जवाब दूंगी, इस पूरी बात का जो ऐतिहासिक था महत्व, हमने उसी को इसके साथ जोड़ने का पूरा, क्योंकि हमारी इस पूरी यात्रा का एक स्लोगन था, एक नारा था, मेरी धरती मेरी मिट्टी, किसान मजदूर जनशक्ति। कहीं ना कहीं हम किसान और मजदूरों के बच्चे, और इस देश में आज जो लड़ाई चल रही है और वो किसान मजदूर की है। और किसान, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि सिर्फ किसानी बचाने के लिए या कृषि बचाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो जो लड़ाई लड़ रहा है वो इस देश के संविधान को और लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहा है। तो किसान को सिर्फ वो अपनी जीविका के लिए लड़ रहा है, ये करके दिखाना बहुत है। लाखों करोड़ों लोग उस पर निर्भर है, और वो किसान आत्मनिर्भर है। तो उस किसान की जो आत्मनिर्भरता है, उसको जो छीनने की कोशिश कर रहे हैं और जो हमारे मूल बुनियाद को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके एक तरीके से उसे अपनी इतिहास को वापस से बताने का, दोहराने का, ये मिट्टी सत्याग्रह एक पूरा ये कार्यक्रम जो था उसके लिए था। और मिट्टी सत्याग्रह सिर्फ ये पहला चरण था, जिसमें बहुत सीमित तो नहीं कहूंगी, असीमित उसमें हुआ। और मैं जिक्र करना चाहूंगी कि 2000 से ज्यादा गांव की मिट्टी हम लेकर पहुंचे थे इन चारों बॉर्डरों पर, और उन मिट्टी में देश के जितने भी शहीद साथियों के नाम आते हैं, नायकों के नाम आते हैं, हमारे बिरसा मुंडा से लेकर हम अगर आज के किसान जो शहीद हुए उनके गांवों तक की, उनकी गुजरात के 800 गांव की मिट्टी आई थी, राजस्थान के 400 के करीब गांव की मिट्टी आई थी, हरियाणा में करीबन जो हमें पता चला वो 47, क्योंकि हम बहुत सीमित क्षेत्र में हरियाणा में गए तो 47 गांव की मिट्टी आई थी, और पंजाब के लगभग 300 गांव की मिट्टी आई थी, 150 गांव की आंध्र प्रदेश की मिट्टी आई थी, महाराष्ट्र के जो हम लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन किया, जो लिखा नाम लिखे उसके हिसाब से 147 गांव की मिट्टी आई थी। लेकिन इस तरीके से बहुत सारी, क्योंकि बहुत कम समय में ये कार्यक्रम किया गया, तो ये जो अंदाजा जो हम लिख पाए, जो नहीं लिख पाए क्योंकि लोगों ने ट्रांसपोर्ट से, ट्रेन से, अलग अलग माध्यमों से मिट्टी हमारे पास भेजी और अपने प्रतीक के तौर पर भेजी, कई लोगों ने उस मिट्टी के साथ संदेश भेजे, तो ये जो था पूरा कार्यक्रम, ये लोगों का अपना कार्यक्रम बना। और इस कार्यक्रम को हम आगे भी चलाएंगे और इसके अगले चरण के कार्यक्रम को लेकर जल्द ही सारे साथी यहाँ पर बैठने वाले हैं। मिट्टी सत्याग्रह अपना, हमारा अपना कार्यक्रम था, और इस सत्याग्रह चैनल पे इस पूरी बात को जो रखने का मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस यात्रा के दौरान आपका जो अनुभव रहा वो अभी आपने शेयर किया, और आपने बताया कि कुछ ऐसी आशंका थी कि विरोध हो सकता है, तो कहीं ऐसा आपको लगा कि कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया या सरकार की तरफ से कुछ अवरोध करने की कोशिश की गई, या कहीं भी आपको बताओ कि कुछ ऐसा अनुभव रहा हो कि लोगों का मतलब बहुत ही अच्छा वेलकम आपका हुआ, मतलब जहाँ पे आपको एक अनुभव जो आपके हैं यहाँ पे द्रवित हो गए हो आप लोग, ऐसा कुछ तो शेयर करिए हम लोगों के साथ, अच्छे और बुरे दोनों तरीके के अनुभव। वैसे तो आपने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन कुछ एग्जांपल्स, कुछ एक ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो जहन में बस जाते हैं हमारे मन में, वो कहीं ठहर जाते हैं, तो ऐसा कोई वाक्य हुआ हो इस यात्रा के दौरान तो वो हम जानना चाहते हैं। विशेष तौर पर अगर मैं कहूँ तो बुरा अनुभव तो नहीं कहूंगी, क्योंकि
आप बात करते हैं और आप जब सत्य की आग्रह करते हैं और फिर जब आप एक ऐसी यात्रा की कल्पना की गांधी की का प्रतिरूप आप मानते हैं और उसको जमीन पर ले आना चाहते हैं, तो आपको अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही स्थितियों के लिए तैयारी रखनी चाहिए। तो उस तरीके की जब तैयारी की बात हम करते हैं तो हम गांधी जी के साथ क्या हुआ उस दौर के अंदर, तो उस अपेक्षा देखें तो हमारे साथ उस तरीके की कोई घटना नहीं हुई। लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगी कि गांधी जिस देश में जन्मे वो गुजरात, जिस देश मतलब मैं गांव की भाषा की देश कह रही हूँ, पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं कर रही हूँ, तो वो जो गुजरात देश के अंदर पैदा हुए वो उस देश के अंदर गांधी से मिलने के लिए पुलिस से इजाजत लेनी पड़े, और जब आपके कार्यक्रम लोग जो आपके आयोजक हैं उनको कार्यक्रम न करना दिया जाए और ये कहा जाए कि भाई आप मिट्टी उठाकर क्या कर लेंगे, जिस तरीके से गांधी को ये कहा गया था कि आप नमक उठाकर क्या कर लेंगे, है उस तरीके का जो पुलिसिया व्यवहार है उससे बड़ी हृदय बहुत दुखी हुआ कि इस तरीके का व्यवहार पूरे गुजरात के अंदर दांडी से लेकर हमारे साथ हिम्मत नगर जो हमारा आखिरी छोर श्यामला जी का था वहां तक हुआ कि कहीं भी हमारे कार्यक्रम नहीं होने दिए गए, फिर भी हमने गांधी जी का जो मार्ग था उस पे चलते हुए हमने शांतिपूर्ण तरीके से जो भी जिस भी माध्यम से लोगों तक जा सकते थे हम गए और हमने वहां पर कार्यक्रम किया। तो हमारे उस अनुभव में एक अनुभव ये जो गुजरात का रहा वो बहुत ही दिल दुखाने वाला था, लेकिन मैं इसे बुरा नहीं कह सकती क्योंकि हमारे साथ मैं मानती हूँ जो ये बहुत ही सूक्ष्म बात है, बहुत छोटी बात है। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छी कोई चीज हो, ऐसी सैकड़ों बात है जो कि हम अपने पूरे अनुभव में लिखने वाले हैं, लेकिन दो तीन छोटे छोटे जो अनुभव मुझे याद आते हैं वो मैं आपके सामने हो रही थी और हम कहीं चाय पीने चल रही थी कि भाई यात्रा क्या क्या कुछ आठ रहे हैं, तो उसने ये नहीं सोचा कि हम कहाँ की मिट्टी इकट्ठा कर रहे हैं। हमारी बस के बाजू से उसने मिट्टी उठाई नीचे से और ये कहा कि भाई ये मिट्टी मेरी तरफ से। तो वो जो पंजाब के बच्चे बच्चे के अंदर जो आज कृषि कानून को लेकर एक चेतना आई है उसका प्रतीक था, तो उस मिट्टी को हमने यहाँ पर लेने की कोशिश की। दूसरा जो एक अनुभव आया जो कि मैं मुंडौती गांव का कह रही थी कि गांव के लोग अपनी मिट्टी के साथ किस तरीके से जुड़े हो सकते हैं इसका अनु जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ तो शायद इसकी मुझे सिर्फ ऊपरी एक मैं कहूंगी, मैंने बहुत दिल से नहीं, मुझे लग रहा था कि वो ये था कि ये कार्यक्रम है लोगों तक जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में ये था कि अगर लोगों को ये नहीं पूरी कल्पना इसकी नहीं वो स्वीकार पाए दिल से तो क्या होगा। लेकिन ये जो तो क्या होगा इसको अगर किसी ने तोड़ा तो मुझे लगता है कि मुंडौती गांव से मेरी टूटी, क्योंकि जहां पर सैकड़ों नौजवानों ने मिट्टी इकट्ठा करके पूरे राजस्थान के अंदर से ले आई थी और उन्होंने दिया और उनका ये कहना था कि ये जो मिट्टी सत्याग्रह का पूरा विचार है इसको तो हम देखते हैं कि ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये तो हमारी आने वाली नस्लों को बर्बाद होने की बचाने की बात होगी उसकी। और दूसरा तीसरा जो पूरा अनुभव मेरा रहा कि लोगों के पास जैसे ही ये पूरा कल्पना गई यात्रा शुरू होने के बाद
कई सारे लोगों ने सिर्फ फोन पर संपर्क करके मिट्टियां भेजी और उसके लिए मेहनत किया, उसके लिए लोगों ने उस एक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तो अपनी मिट्टी से कितना लगाव, ये मुझे समझ में आया और इससे लोग कैसे जुड़े वो समझ में आया। ऐसे कई जगह बहनों के कई अनुभव आए हैं, टोल नाकों पर जिस तरीके से लोगों ने मिट्टी सत्याग्रह के लिए सकारात्मक रवैया दिखाया वो बड़ा मैं कहूंगी कि हरियाणा पंजाब तो टोल फ्री है लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि गुजरात और राजस्थान क्योंकि संवाद एक ऐसा है कि गांधी ने दांडी का सत्याग्रह भी संवाद के लिए किया था और मिट्टी सत्याग्रह भी संवाद के लिए थी। ये जो मिट्टी की बात अगर आप करते हैं तो मिट्टी से जुड़ा हर आदमी उस बात को सहज स्वीकार करता है और इसके इसका मैंने देखा कि क्या असर होता है। तो ऐसे कई अनुभव हमें आए और मुझे लगता है कि मैं इन अनुभवों को सीखने की दृष्टि से मैं कहूंगी कि आगे के आंदोलनों के लिए ये सीखने की दृष्टि से बहुत अच्छे अनुभव थे। प्रश्न मेरा और है कि जैसा भी आपने बताया कि ये तो मतलब खास तौर से किसान आंदोलन के साथ जुड़ा है लेकिन उसके साथ साथ मजदूर और जो भी संघर्षशील समाज है उनके साथ कनेक्ट करने के लिए या उस मुद्दों को हाईलाइट करने के लिए सत्याग्रह हुआ, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि सामान्य लोग इन मुद्दों पे बहुत जो मध्यम वर्ग है वो इस चीज को ध्यान नहीं देता है इस मुद्दों पे। तो क्या आपको लगता है कि इस यात्रा के दौरान जो आपका मजदूर किसान वर्ग के अलावा वो तो वर्ग को मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे जागरूक हो रहा है लेकिन उस वर्ग के अलावा भी जन सामान्य भी इससे कनेक्ट हो पाया, उसको इसका महत्व तो समझ में आया, जैसे वो सीधे सीधे मतलब देखा जाए तो वैसे तो हर व्यक्ति कनेक्टेड है ही किसी ना किसी रूप में लेकिन सीधे तौर पे देखा जाए तो सब जन सामान्य को लगता है कि ये उसका मुद्दा नहीं है लेकिन इस सत्याग्रह से आपको लगा कि सामान्य जन भी उससे कुछ कनेक्ट हुआ है या उस तक वो बात पहुंची है जिसके लिए आपने यात्रा शुरू की थी। जी जी आपका सवाल बहुत ही उचित सवाल है और बहुत सही समय पे उसकी बात आपने की। मैं यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि यात्रा दो हिस्सों में थी तो पहला हिस्सा जो 12 मार्च से 28 मार्च का था वो संवाद का था और हम उसके अंदर हमने मैं विशेष तौर पर अपनी बात यहाँ इसलिए करूंगी क्योंकि मैं उसमें खुद भी शामिल थी और बाकी उदाहरण मैं नहीं देना चाहूंगी। जैसे मुंबई जैसा शहर उसके अंदर हमने मिट्टी की बात निजीकरण के बाद से जोड़कर निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के पास गए है क्योंकि ये दोनों ही ऐसे तबके हैं या वर्ग हैं जो भी आप कहें कि जिन्हें निजीकरण का सबसे ज्यादा नुकसान है और उस निजीकरण को क्योंकि मैंने पहले ही अपनी परिभाषा में कहा कि किस तरीके से हम मिट्टी सत्याग्रह के साथ जोड़ते हैं तो वहां पर जब हमने लोगों के साथ ये बात कही कि ये मिट्टी कैसे बिक रही है शहरों की या सरकारी जिस तरीके से निजीकरण हो रहा है और इसका किस तरीके से नुकसान लोगों को होगा तो हमने देखा कि लोगों ने खुद इसमें शामिल हुए और लोग कई हद तक इसके अंदर आए लेकिन आपकी बात बिल्कुल मैं वो भी कहना चाहूंगी कि यहाँ तक मूर्त रूप से बहुत कम जगहों पे सफलता मिली जहाँ पे सक्रिय साथी इसके अंदर रोजाना इसको अभियान की तरह और कार्यक्रम के तौर पर चला रहे थे। बहुत बड़े जन सैलाब के पास हम नहीं पहुंचे लेकिन आने वाला जो समय है क्योंकि मिट्टी सत्याग्रह जैसा मैंने कहा कि प्रतीकात्मक तौर पर अभी हमने किया है लेकिन आने वाले जो कार्यक्रम है वो हम बाकी सब साथियों के पास भी लेकर जाएंगे, लोगों के बीच ले जाने के जो कार्यक्रम बनेंगे उसमें हम जाएंगे। तो अभी किसान मजदूर और जनशक्ति में एक बहुत बड़ा तबका बाकी है जिसके तक जाना चाहिए। 137 करोड़ की आबादी है
और उसमें हम ऐसा दावा नहीं करते कि हम सब तक पहुंचे हैं या अधिकतम लोगों तक पहुंचे हैं। हमने जितना प्रयास किया है उसके अनुसार हम ये जरूर कह सकते हैं कि हम निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग तक अपनी बात पहुंचाने में सफल हुए हैं, हैं? और आने वाले समय में और कार्यक्रमों को लेकर जाएंगे। बहुत अच्छा। और एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ, जो आपने वहाँ पे अलग अलग बॉर्डर पे स्मारक का निर्माण किया है, तो क्या कुछ ऐसा प्रोग्राम है कि इस स्मारक पे आकर जन सामान्य उस पर अपनी श्रद्धांजलि वगैरह दे, कुछ इस तरीके से लोगों को और कनेक्ट करने की, मतलब अभी मिट्टी इकट्ठा हो गई वहाँ पे एक स्मारक बन गया, तो क्या अभी क्योंकि अभी कल ही कम्प्लीट हुआ है, तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों से जन सामान्य क्या कुछ ऐसा दिख रहा है आपको कि वहाँ पे जो बलिदानी लोग हैं उनके लिए कुछ श्रद्धांजलि वगैरह के लिए लोग आ रहे हैं? जी जी कल भी कल तो कल ही कार्यक्रम हुआ है इसका, और कल दिल्ली के जहाँ संघर्ष चल रहे हैं वहां के साथी तो मौजूद थे और उन लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि दी, लेकिन वो हमसे जुड़े लोग थे। अब क्योंकि बॉर्डर पे बैठे जो लोग हैं उन्हें इस बात का इल्म है कि ये पूरा कार्यक्रम क्या है और वो स्मारक किस लिए वहां स्थापित किया गया है, इसलिए उसकी बात तो चली रही है। लेकिन इसके अलावा जो बात आपने कहा कि लोग जगह जगह से वहां पहुंचे या वहां जाएं, तब भी देश भर के लोग जब वहां पर स्मारक है और जब वहां पर स्मारक है, जो वहां जाने वाले लोग सतत हैं वो जाएंगे। हम हमारी तरफ से, क्योंकि ये अलग अलग मोर्चे जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो अलग अलग साथी हैं, नेता हैं और जो अलग अलग संगठन हैं, जिनकी सहमति से और जिनके साथ मिलकर इस शहीद स्मारक का निर्माण हुआ है चारों बॉर्डर्स के ऊपर कुल 5 जगहों पर, वो इसकी बात अपने लोगों के बीच करेंगे। और इसका प्रमाण है कि आज सुबह से लगभग 10 फोन मुझे पंजाब के अलग अलग जगह से आए हैं और महाराष्ट्र से, गुजरात से, जहां पर ये कहा गया है कि इस तरीके का शहीद स्मारक आप लोगों ने बनाया है, तो क्या उस तरीके का स्मारक हम बनाए क्या? तो हमने लोगों को ये कहा है कि आप प्रतीकात्मक तौर पे जरूर कोई भी कार्यक्रम करें, लेकिन आप किसानों की एकजुटता बनाने के लिए और उन्हें सम्मान देने के लिए जरूर इन 5 बॉर्डरों पर एक बार तो जरूर जाएं, तो ये हमारा प्रयास होगा। जी मुझे लगता है उसके लिए ड्राइव कराने की जरूरत है कि लोग वहां पहुंच कर श्रद्धांजलि दें, और फिर उसको एक बड़ा स्मारक तैयार करने में मुझे लगता है कि अगर फंड जुटाने की भी कोई ड्राइव शुरू की जाए वो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो इसी से थोड़ा सा एक क्वेश्चन मेरा और है, जो ये आपकी यात्रा हुई थी इसके लिए कुछ फंड की भी जरूरत पड़ी होगी, तो वो आप लोगों ने कैसे जुटाया? जी जैसा कि हम जन आंदोलनों के लोग हैं और हमारा हर काम जो होता है वो सभी साथियों के योगदान से होता है, उनके सहयोग से होता है। उसी तरीके से हमने संगठनों के बीच में अपील की थी, और किसी एक संगठन का नाम नहीं लेना चाहूंगी, जो कई संगठन हैं, जो यात्रा में यात्री आए थे उन्होंने भी 500 रुपए से लेकर 2000 तक जो भी राशि वो दे सकते थे उन्होंने इसके लिए योगदान दिया है। जो लोग लोकल साथी गुजरात से लेकर पंजाब तक मिले वो जो दे सकते थे उन्होंने इसके लिए योगदान दिया है। इसके अलावा जो सहभागी संगठन थे और जो अलग अलग हमारे संपर्क के देश भर के लोग थे उन्होंने भी चंदा दिया है, इसके लिए योगदान दिया है। मैं यहाँ फिर एक बात कहना चाहूंगी कि हमें 1 रुपया भी इस पूरे आंदोलन के अंदर, हमें पंजाब के अंदर एक किसान भाई ने दिया था, और 10 रुपया और 100 रुपया भी मिला है, तो इस तरीके से भी राशि आई है। जरूर इस तरीके की सारी चीजों में आम आदमी के सहयोग से ही, आम जनता के सहयोग से ही ये सारे कार्यक्रम होते हैं,
तो अभी यही कह सकते हैं कि जनता के सहयोग से यह हुआ है, जिसके अंदर सभी तरीके के लोग शामिल हैं। जी, बहुत अच्छे से आपने पूरी बातें बताई हैं, और हमारे और साथी जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं वो अगर अपना कुछ प्रश्न पूछना चाहते हो तो गुड्डी जी से वो प्रश्न पूछ सकते हैं, और कोई भी साथी जो अपना अनम्यूट कर दें अपना माइक और संबंधित क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। हमारे साथ आर के सिंह जी हैं, रामनिक मोहन जी हैं, मुझे लगता है कि सारी बातें आपने बहुत अच्छे से बता ही दी, कोई सारी बातें होंगी गई तो फिर ठीक है, इस प्रोग्राम को हम लोग खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपसे जल्द ही फिर से जुड़ेंगे, और ये मिट्टी सत्याग्रह बहुत अच्छे से आप लोगों ने इसको किया, और जो आप कह रही हैं कि ये कार्यक्रम शायद फिर से आगे शुरू होगा अभी किसी और रूप में, तो फिर हम आपसे उसके बारे में जानेंगे। इसी के साथ ये सत्र यही खत्म करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद गुड्डी जी आपका, और सभी साथी जो हमसे शुक्रिया सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।